इतना है कि सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी कोई इंसान जब कोई प्यार करता है, जब कोई फीलिंग्स बताता है, तो अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताता है। तो आई गेस नो वन इज़ राइट, नो वन इज़ रॉन्ग, एवरीवन इज़ सेइंग द ओन स्टोरी। जो लोगों को खुद की जर्नी होगी, जो खुद के एक्सपीरियंस होगी, उसके दम पे सामने वाली इंडस्ट्री को या सामने वाले लोगों को जज किया जाएगा। बट वी डोंट नो कि वो लोग किस चीज़ से गुजरे हैं। यहाँ पे जया जी भी सही है, गंगा जी भी सही है, बट वो अपने अपने एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं। तो आई एम नो वन, अगर मुझसे पूछे तो मैं अपने एक्सपीरियंस में कुछ अलग बताऊँ तो सब अपने एक्सपीरियंस में बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सुशांत था, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मैं घर से शूट से जिम से घर बहुत कम पार्टी करता हूँ, घर से निकलना मुझे इतना पसंद नहीं है। बट इट्स ऑल पर्सनल चॉइस, यू नो, एवरी वेयर आपको चाहे, इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एनी सेक्टर। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मेरे सारे दोस्त यूज टू स्मोक, यूज टू हैव पार्टीज, दैट टाइम में आई वॉज गिविंग ट्यूशंस बच्चों को, तो उसी टाइम को मैं अलग जगह यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आपकी चॉइस होती है, आपके ऊपर होता है कि आपको अगर लोगों से जुड़ना है तो ज़रूरी है, नहीं है कि आप जुड़े, और अगर नहीं जुड़े तो आपकी चॉइस। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, इफ आई गॉट ऑफर्ड देन ऑल्सो आई एम लाइक माई चॉइस इज नो, सो इट्स ऑन एवरी वन, इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन बॉलीवुड के जो बहुत सारे खिलाड़ी जब कंगा करते हैं तो उनका इस तरह से बिना नोटिस दिए ही 7 दिनों के लिए नोटिस दिया जाता है, उससे पहले ही दफ्तर तोड़ दिया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है, आपको लगता है कितना सही था? इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं रहता हूँ। बॉलीवुड से आई नो दैट बॉलीवुड से, बट आई डोंट नो हर पर्सनल एजेंडा व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन। बट मुझे लगता है वो अपने पर्सनल जो उनके साथ एक्सपीरियंस है, शायद उसके बेसिस पे सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अदरवाइज जितना भी उन्होंने काम किया है, आई एम श्योर शी इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर द नेशन ऑल्सो। इतनी अच्छी अच्छी उनका फिल्में की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव जाएगा। बट उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होगा जो चीज़ें अब जाके बाहर आ रही है। जुबीर जी, आप फिल्म में सुशांत सिंह का किरदार जिस प्रकार से अभी पब्लिक सेंसिटिव मुद्दा है ये, तो आपके मन में कोई डर है पब्लिक का, जो आपके फैंस हैं उनके ऊपर इसका कितना, आपके जो फैंस हैं क्या आपके खिलाफ जाएगी, इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, अभी जैसे अनाउंसमेंट हुआ, 70% ऑफ माई लॉयल फैंस आर विद मी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा, मैंने करीबन 3 से 4 मीटिंग लगा दी और एक हफ्ता लिया सोचने में, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरी बिग चैलेंज। बट यू नो, दिस फिल्म इज इंस्पिरेशन और इंस्पायर होके बनाई गई है, एंड आई ट्रस्ट द प्रोड्यूसर अशोक जी, जो खुद एक लॉयर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को जोड़ के और अंदर तक तय करके स्क्रिप्ट लिखी है। तो बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा ये फिल्म बोलेगी। तो ये फिल्म करने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाया था, बट आई एम श्योर अब मुझे जितनी पोस्ट करने के बाद, इवन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उससे आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरी फैन फॉलोइंग थी वो मुझे सपोर्ट कर रही है। एंड प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होते हैं, तो 30% नहीं सपोर्ट कर रहे वो भी शायद फिल्म देखेंगे तो सपोर्ट करने लगेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।